अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में और लोग एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि रियल इस्टेट सेक्टर में कुछ बेहतरी के चांसेस नज़र आने लग गए हैं। उस न्यूज़ के मुताबिक उसमें बताया जा रहा है कि मकानात और फ्लैट्स के ऊपर जो टैक्सेस हैं या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं रियल इस्टेट में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए मराहत देने का भी ऐलान किया जा रहा है। कहाँ तक ये खबर सच्ची है, कहाँ तक ये खबर झूठी है, इसके ऊपर आज रिसर्च करते हैं, आपको बताते हैं क्या इस खबर में कितनी सदाकत है, क्या वाकई ही रियल इस्टेट सेक्टर में खुशखबरियाँ आने वाली हैं, क्या वाकई ही जो सिचुएशन अभी चल रही है तो उस सिचुएशन के हिसाब से अभी खुश होना चाहिए या वक्त से पहले खुश नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपके सामने बयान करूंगा। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बगैर किसी इंतज़ार के चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से एक डेलीगेशन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जाकर मुलाकात करता है, उस मुलाकात में कुछ अपनी एडवाइस वो जो मिनिस्टर साहब हैं उनके सामने रखी जाती हैं। मैं साथ साथ स्क्रीन पे वो सारी एडवाइस और वो सारी डिस्कशंस आपके सामने जो कि ज़राए के मुताबिक हमें पता चली हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। उसमें कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं जिसमें गुजारिशात ये की गई हैं कि टैक्सेस या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं उनको कुछ इस तरह की मराहत दी जाए ताकि ओवरसीज़, आपको पता है कि जब तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने पैसे पाकिस्तान नहीं भेजेंगे वो रियल इस्टेट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक रियल इस्टेट सेक्टर बेहतर नहीं हो सकता। उसके अलावा स्टील का जो रेट है उसके ऊपर भी और बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो टैक्सेस हैं उनमें कमी की सिफारिशात भी रखी गई हैं फाइनेंस मिनिस्टर के सामने। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। जो आने वाला बजट है उसमें हो सकता है अगर ये सारी सिफारिशात को अगर एक्सेप्ट कर लिया गया तो तब तो रियल इस्टेट सेक्टर के लिए बहुत बेहतरी आ जाएगी। खैर, अगर मैं अभी की सिचुएशन का आपको बताता चलूं, इस टाइम पे राइट नाउ डॉलर की जो सिचुएशन है वो डॉलर आपके सामने है जो नीचे आता जा रहा है, उसके रेट में कमी आती जा रही है। जिस तरीके से डॉलर अगर ऊपर जाता है तो आपको पता है कि इन्वेस्टर्स रियल इस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करते। अब जैसे ही सिचुएशन जो नज़र आ रही है पिछले एक हफ्ते से, जैसे ही डॉलर की प्राइस में कमी होती है और साथ साथ आपके सामने है पेट्रोल की प्राइस में भी कमी हो रही है, तो अगर ये इसी तरीके से मामला चलते रहे और मैं इस टाइम पे भी अगर आपको सिचुएशन बताऊं बैरिया टाउन रियल इस्टेट की, अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊं जो एक टाइम पिछला पूरा एक साल में जो देख रहा था अपनी आंखों से वो ये था कि प्लॉट्स में आपको बायर नज़र नहीं आता था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अच्छी खबर ये है कि पिछले जब से ये डॉलर के रेट्स में कमी नज़र आ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि ये और भी नीचे जाए अगर ये नीचे जाता है, वैसे तो इस तरह की हिस्ट्री हमने देखी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन अगर ये स्टेबल होता रहेगा इसी तरीके से और जो आने वाला बजट है उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उनके ऊपर अगर अमल दरामद होता है तो रियल इस्टेट सेक्टर के ऊपर जाने के चांसेस आपको एक दफ़ा फिर से नज़र आएंगे। एक दफ़ा फिर से आप रियल इस्टेट, जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से जारी था आज से 1.5 साल पहले, वो दोबारा आपको नज़र आएगा। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी हैं वो ये कहते हैं कि यार हम तो इतना टाइम हो गया अपना प्लॉट सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों इन दिनों में सेल नहीं हो रहा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इस टाइम पर जो बायर आपका स्टैंड होता है ना, जिन रेट्स के ऊपर बायर आपका स्टैंड हो रहा है वो रेट्स ऐसे हैं कि आप उसके ऊपर ना कोई आप अपना एक असेसमेंट होती है वो असेसमेंट तो यकीन माने इस टाइम पे आपको काम नहीं आएगी। अब सपोज़ करें प्रीसेंट 27 में विला फेसिंग प्लॉट्स, अब कुछ लोग हैं वहाँ पे उसकी डिमांड करते हैं 50 से 55 लाख रुपये, अब जिन्होंने बेचना होता है वो 45-40 लाख की डिमांड करते हैं। अब जो 45-40 की डिमांड करता है उसका 2 दिन में प्लॉट सेल हो जाता है और बायर भी उसके ऊपर स्टैंड हो जाता है ईजिली। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने फौरी तौर पर अपनी प्रॉपर्टी को बेचना है, मुझे पता है ये वो प्लॉट्स हैं जो आपने 70 से भी ऊपर जाके बाइंग की हुई है या हो सकता है 65-70 के इन बिटवीन आपने बाइंग की हो, लेकिन अभी जो हालात हैं बायर अगर स्टैंड होता है वो बिलो दी मार्केट जाके स्टैंड होता है आपके प्लॉट का। हमारे दोस्त इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि ये जो न्यूज़ चल रही है ये पिछले साल की है या उससे भी पिछले साल की है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हमने अपने सोर्सेज से और थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च की तो हमारे सामने ये चीज़ आई कि ये जो ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं इनका एक जो वक्त है जिसने मुलाकात की फाइनेंस मिनिस्टर से और उनकी टीम से, तो इसमें बात हकीकत है, आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। हमने भी अपने सोर्सेज से इसको कंफर्म किया, मुलाकात ज़रूर की है। आने वाले बजट में ये सारी चीज़ें
वो सामने रखेंगे। अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आपको आहिस्ता 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 ज़रूर बेहतरी नज़र आएगी। और यहाँ पर अगर हम एक और चीज़ को भी साथ ऐड कर दें तो वो बहुत अच्छा रहेगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अब प्लॉट्स के जो रेट्स हैं उसमें कमी की एक बड़ी वजह ये भी है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का ऊपर जाना। अब सपोज़ करें एक प्लॉट आप 40 लाख रुपये का अगर ले भी लेते हैं, विद अलॉटमेंट प्लॉट आप ले लेते हैं, तो उसके ऊपर जब आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो वो 1 करोड़ से ज़ायद हो जाती है। लेकिन जो सिफारिशात की गई है ना इस कमेटी की जानिब से, वो सिफारिशात अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें उन्होंने स्टील टन के ऊपर भी रेट्स की बात की है कि उसमें भी कमी आनी चाहिए, इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो ये अगर चीज़ें होंगी तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी कमी आएगी, तो फिर आपके प्लॉट्स के रेट्स जो हैं वो भी स्टेबल होने के चांसेस हैं। और साथ साथ एक वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो कि आनी चाहिए, जो कि आज से कुछ टाइम पहले आती थी, जिसमें प्लॉट्स बहुत ज़्यादा सेल होते थे, बाय होते थे, उसकी वजह ये थी कि घर बनाना आसान था, आपने घर बनाने को आसान करना है। अगर आप घर बनाने को आसान करते हैं तो साथ साथ आपके प्लॉट्स में बाइंग और सेलिंग चलती रहेगी। इस टाइम पे लोग रेडी प्रॉपर्टी पे ज़्यादा क्यों जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जाते हैं क्योंकि घर बनाना अब बहुत मुश्किल हो चुका है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर जाने की वजह से। खैर, उम्मीद तो यही करते हैं कि आने वाले साल में जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें हो सकता है कि रियल इस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ हों। न्यूज़ को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि यार क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, तो हमने अपनी रिसर्च की और उस रिसर्च को आपके सामने रखने की कोशिश की। खैर, आज की वीडियो से इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा फिर आप सबसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए, क्वेश्चन के लिए, सवाल के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक सैयद साजिद हुसैन शाह को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।